फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग ब्लॉग। तो आज मेरे सामने खड़ी है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस। अब नियोस का ये 2023 वाला वेरिएंट है। क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है, क्या कुछ अपडेट्स इस गाड़ी के अंदर आए हुए हैं और उसके बारे में बात करेंगे। करेंटली आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये टॉप एंड मॉडल है आस्था, लेकिन ये मैनुअल में है और रेड कलर में है। अब क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है, क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ये गाड़ी कम्पीट करती है अपनी मारुति की स्विफ्ट से, और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसमें ये जो गाड़ी है हर जगह घुस जाती है। अब फीचर्स तो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं। कंफर्ट के मामले में बात करेंगे और स्पेस के बारे में बात करेंगे, और जो इसके अंदर एक जो नयापन आया है वो क्या आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फुल रिव्यू में। बाकी ये ज़रूर बताना कि ये रेड कलर आपको लग कैसा रहा है। बात करते हैं गाड़ी की। तो फ्रंट में आपको कुछ एक इस तरीके की प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का जो है सेटअप मिल जाएगा। अब प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो इसके अंदर दिए हुए हैं वो हैलोजन बेस्ड दिए हुए हैं। इंडिकेटर भी हैलोजन ही मिलता है आपको। अब ये जो सेटअप है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, ऑन हाईवे भी अगर आप सिटी ड्राइव के लिए करते हैं तो उसके लिए भी सही है। वहीं अगर आप नीचे देखते हैं तो ये DRLs दिए हुए हैं कुछ इस तरीके के। अब इसी टाइप का पैटर्न जो है ना बैक में भी यूज़ किया गया है। अब इसकी ग्रिल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी कर दी गई है और ज़्यादा ब्रॉड कर दी गई है पहले जो ग्रैंड i10 आती थी। अब इसका अगर आप लोगो देखेंगे तो बिल्कुल ही मैट फिनिश में आपको सिल्वर कलर का लोगो जो है इसके अंदर मिल जाता है, देखने में काफ़ी सही लगता है। विंडस्क्रीन थोड़ी सी जो है लेंथी कर दी गई है और थोड़ी सी वाइड कर दी गई है, जिससे जो है एक अमेजिंग व्यू आपको मिलता है। बाकी ORVMs का सेटअप जो है ओल्ड ग्रैंड i10 नियोस जाती थी, मतलब ग्रैंड i10 जो आती थी उसी का ही रखा गया है, और जो नियोस पहले भी आती थी उसी की तरह रखा गया है। अब कुछ अलॉय में ना चेंजेस कर दिए गए हैं। ये प्रॉपर अलॉय है। अगर आप इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट देखते हैं तो उसके अंदर इसी टाइप के डिज़ाइन पैटर्न में आपको जो है कवर मिलता है, स्टाइलिश व्हील कवर। अब ये लो प्रोफाइल व्हील है, अगर आप देखेंगे ना तो 1675/60 R15 इंचेस का ये लो प्रोफाइल व्हील मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है देखने में, और चौड़ाई भी काफ़ी सही है इसकी। बाकी क्रोम डोर हैंडल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल है तो ये सारी चीज़ें तो एक टॉप मॉडल के लिए जो है मैंडेटरी हो जाती है। रेड कलर में क्रोम का कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लगता है। अब ये रेड कलर ऐसा है ना, अगर आप रेड कलर में कोई बेस वेरिएंट देखेंगे ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप इसका टॉप एंड मॉडल लेंगे तो काफ़ी सही लग रहा है और एक अमेजिंग जो है पूरी लुक गाड़ी की जो है बरकरार रख रहा है। बाकी ये सामने के जो पोर्शन आपको मिलता है ना, ये पियानो ब्लैक फिनिश का पोर्शन मिल जाता है। इनफैक्ट ये जो नंबर प्लेट वाला जो है पोर्शन, ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में है। यूजुअली गाड़ियों में क्या होता है, नंबर प्लेट वाला पोर्शन जो है आपको मैट ब्लैक में मिलता है और हार्ड प्लास्टिक में। बाकी यहाँ एक विंगलेट भी आपको मिल जाता है सामने के साइड, और साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल मिल जाती है। अब एक बार आपको स्पॉइलर दिखा देता हूँ। तो ये जो स्पॉइलर आपको इसके अंदर मिलता है ना, ये स्पॉइलर आपको मैट फिनिश में ही मिल रहा है, और यहाँ GI10 की जो है बैजिंग हो रखी है, यानी कि ग्रैंड i10 की। अब पीछे की प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ इस तरीके की यहाँ जो है एस्टा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, नियोस की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इधर के साइड आपको जो है ग्रैंड i10 की जो है बैजिंग मिल जाती है। अब बैजिंग बहुत ज़्यादा कर रखा है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ भी कर रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी काफ़ी सही लग रहा है। और लोगो एक बड़ा सा दिया हुआ है, तो पीछे का जो पूरा पोर्शन है ना पूरा भरा भरा सा लगता है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है देखने में। अब जो ये बीच का पोर्शन है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए रखा हुआ है, रिफ्लेक्टर रखा हुआ है। करोल बाग में जाके आप इसको भी कनेक्टेड करवा सकते हैं। बाकी ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, आगे से कनेक्टेड है बिल्कुल, तो ये कनेक्टेड ही टाइप रहता है नीचे। लेकिन जो नीचे का बल्ब दिया हुआ है ब्रेकिंग के टाइम जब आप इसे यूज़ करेंगे तो वो आपका जो है हैलोजन ही दिया हुआ है, इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प भी। और पीछे आपको जो है वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है देखने में। और ये प्रोफाइल गाड़ी की एक बार आप देखो, कुछ इस तरीके की जो है प्रोफाइल जो है गाड़ी आपको ऑफर करती है। अब बम्पर का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्शन आपको मिल जाता है, और इसके अंदर जो आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है कुछ इस तरीके का मिलता है। नीचे आपको एक ब्लैक मैट फिनिश में आपको जो है एक क्लैडिंग मिल जाएगी, जो कि दिखने में काफ़ी सही लगती है। और यहाँ एक पियानो ब्लैक फिनिश की जो है ट्रीटमेंट भी हो रखा है।
अब वो जो ट्रीटमेंट ये वाला हो रखा है, इसके वजह से जो ग्लास एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है देखने में और काफ़ी सही लगती है। अब एक बार इसके डायमेंशन जान लेते हैं, क्या कुछ डायमेंशन इसके अंदर मिल जाते हैं। डायमेंशंस की बात करते हैं तो 3815 mm की इसके अंदर लेंथ मिल जाती है। वहीं आप इसकी वृत्त की बात करते हैं तो 1680 mm की इसके अंदर वृत्त मिल जाती है। वहीं अगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1520 mm की इसके अंदर हाइट मिल जाती है। वहीं अगर आप इसके कर्व वेट का बात करते हैं तो 805 kg के कर्व वेट मिल जाता है। और व्हील बेस इसके अंदर जो आपको मिलता है 2450 mm का इसके अंदर व्हील बेस मिल जाता है। तो जी ये कुछ थे गाड़ी के डायमेंशंस। अब एक बार की देख लो तो की आपको जो इसके अंदर मिलती है ना, रेगुलर वाली की मिलती है जो क्रेटा और हुंडई की जितनी बाकी सब गाड़ियां हैं उन्हीं की तरह आपको जो है इसके अंदर की मिलती है। काफ़ी सही लगती है देखने में। अब ये जो की का काम है ना, बेसिकली ये जो की है स्मार्ट की आपको मिल जाती है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, फीचर्स काफ़ी सही लगते हैं, मतलब लॉक अनलॉक और ये बूट के लिए मिल जाता है। अब यहाँ इस बटन को आप दबाएंगे तो नीचे से जो है फिज़िकल की निकल जाएगी। जब आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाएगी तो आप इससे फिज़िकल की से जो है डोर ओपन कर सकते हैं। तो आप चलते हैं इंटीरियर में, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। अब इंटीरियर में जाने से पहले आपको जो इसके अंदर चीज़ें मिल जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन में आपको जो है पूरी फिनिश मिल जाती है। ब्लैक और जो है बेज का फिनिश आपको इधर मिल जाएगा। वहीं अगर आप इधर देखते हैं तो ये फोल्डेबल ORVMs के लिए है जो कि फोल्ड भी हो रहे हैं। और वहीं अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको ड्राइवर साइड वाला डाउन फंक्शन के साथ मिल जाता है और लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है। और ये जो स्टिक मिल जाती है और ये लेफ्ट राइट चूज़ करने के लिए होता है। बाकी यहाँ से आप जो है ड्राइवर साइड के छोड़ के बाकी सारे जितने विंडो है लॉक कर सकते हैं। अब सीटें इसके अंदर जो मिलती है बेज फिनिश में मिलती है। बेसिकली ये अगर आप देखेंगे तो ये फैब्रिक पार्ट नहीं है, थोड़ा सा लेदराइट फिनिश यहाँ दिया हुआ है। बीच का जो पार्ट है वो आपको जो है फैब्रिक मिल जाता है, अगर आपको पास से मैं दिखाऊं। और वहीं अगर आप बात करते हैं तो सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है और आगे पीछे तो बाकी आप कर ही सकते हैं, हेड एडजस्ट नहीं होते हैं इसके अंदर। बाकी नियोस की बैजिंग आपको इधर भी मिल जाती है। बकेट सीट आपको इसके अंदर ऑफर की गई है। अब इंटीरियर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं, यहाँ आपको लाइट लेवलर मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, AMG स्टाइल AC वेंट्स मिल जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये AMG स्टाइल है, आपको ऐसा लगता है नहीं लगता मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये कुछ इस तरीके की स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल और यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको इधर मिल जाते हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं तो एक बार डोर बंद कर लेते हैं। अब म्यू सिस्टम का कुछ इस तरीके का सेटअप है। अब ये आपको कहीं देखा देखा लग रहा होगा, अभी जो अपनी हुंडई आई हुई है ना, हुंडई की जो एक्स्टर आई हुई है एज इट इज़ सेम ही जो है डैशबोर्ड इस गाड़ी का मिलता है। इस गाड़ी का बेसिकली नहीं कह सकते, एक्स्टर का इसी से ही कॉपी किया गया है, मतलब यही चीज़ उठा के उसके अंदर डाल दी गई है। ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको उसकी फुल वीडियो देखनी है तो हितेश शर्मा ब्लॉग्स पे आप देख सकते हैं, मेरे पूरे चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ आपको 5-speed का एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बारे में आगे चल के बात करेंगे। वहीं अगर आप AC वेंट्स की बात करते हैं तो फुल्ली ऑटोमेटिक AC वेंट्स मिल जाते हैं। AC बेसिकली वेंट्स नहीं कहेंगे, ऑटोमेटिक AC इसके अंदर कहेंगे। और वहीं अगर आप बात करते हैं, जब भी मैंने इस गाड़ी को ऑन किया तो ये हुंडई का लोगो इधर जो है शो कर रहा है। और यहाँ आपको फिज़िकल बटन भी आपको शो जो है यहाँ करेगा। अब बाकी यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश का जो है ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले इसके अंदर दोनों ही वायरलेसली चल जाएगा। और ये कुछ इस तरीके का 5-speed का ट्रांसमिशन है। वहीं अगर आप ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये वायरलेस का जो है पार्ट पूरा मिल जाता है और ये जो है पूरा ही रिमूव भी हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो आप इस गाड़ी का निकाल के अपनी कोई भी गाड़ी में आप लगा सकते हैं। बाकी ये अगर आपको वापस से लगाना है तो ये आपको यहाँ लगा कर और इस तरीके से जो है इसको अंदर लगाना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ वर्क करेगा। तो ये भी कुछ अच्छी चीज़ है, बस ये ना हो कि ये गाड़ी जब चले तो ये आवाज़ करे। हालांकि आवाज़ तो नहीं करेगा क्योंकि हुंडई की फिट एंड फिनिश काफ़ी सही लगती है। USB और टाइप सी दोनों ही मिल जाता है और 12W का सॉकेट जो है उसके अंदर जो है इसका आपको जो है वो लग जाता है। 12W का सॉकेट तो है ही खैर, बट इसके अंदर आपको जो है एक USB सॉकेट भी मिल जाता है अलग से। तो ये चीज़ काफ़ी सही है और कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ आपको एक पैटर्न मिल जाता है, देखने में काफ़ी सही लगता है। एयरबैग आपको इसके अंदर 6 एयरबैग इसके अंदर मैंडेटरी है। अगर आप इसका बेस मॉडल भी लेंगे तो 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। बाकी वहीं अगर आप बात करते हैं स्टीयरिंग की तो फुल्ली राउंडेड स्टीयरिंग जो है आपको इसके अंदर ऑफर किया गया है। अब स्टीयरिंग की बात तो हम करते ही हैं, बाकी अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो फुल इंटीरियर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। और वहीं अगर आप इसके वाइपर्स के कंट्रोल की बात करते हैं
कुछ इस तरीके के वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। वहीं अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के भी जो है कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। फिलहाल मैंने ऑफ़ कर दिए हैं और कुछ इस तरीके का इंटीरियर पूरा मिल रहा है। एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन अंदर बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि टेलीस्कोपिक नहीं हो पा रहा है, टिल्ट हो जा रहा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर एक कूलिंग फंक्शन भी मिलता है। अगर आप देखते हैं तो इसको अगर हम कहेंगे कूल्ड ग्लव बॉक्स, हम इसको जो है बोलेंगे। बाकी फैब्रिक सीटें जैसा कि मैंने आपको बताया ये है। और वहीं अगर आप ओवरहेड यूनिट की बात करते हैं तो ओवरहेड यूनिट में एक सिर्फ माइक ही है जो इसके अंदर दिया हुआ है, बाकी ये बीच के पोर्शन में ऐसा कुछ नहीं है, सनग्लास होल्डर वगैरह। और वहीं अगर आप बात करते हैं तो यहाँ टिकट होल्डर मिल जाता है। और यहाँ के साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ के साइड आपको जो है एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, देखने में काफ़ी सही लग रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं इस पोर्शन की तो यहाँ आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि छोड़ने पे एकदम जो है स्मूथली ऊपर लॉक हो जाता है। और एक केबिन लाइट मिल जाती है सिंगल हेलोजन बेस्ड, अब कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का सेंटर कंसोल आपको इसके अंदर ऑफर किया गया है, एक बड़ा कप होल्डर, एक छोटा सा, और हैंड ब्रेक, यहाँ कुछ स्पेस, और बात करते हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाती है। अब ये जो वेरिएंट है एकदम टॉप एंड मॉडल है, अब जो चीज़ें इसके अंदर दी हुई है ये एकदम टॉप एंड वाली मॉडल वाली फीचर्स है। अब क्लस्टर की बात करते हैं, पता नहीं क्यों ये क्लस्टर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, बट स्टिल इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ के साइड आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे आपको जो है एक फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ के साइड आपको जो है हीट गेज, और यहाँ टैकोमीटर मिल जाता है। बीच में एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर मिल जाती है। बाकी IRVM जो इसके अंदर मिलता है मैनुअल बेस्ड आपको जो है IRVM मिल जाता है। अब एक बार चलते हैं पीछे, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर है, उसके बारे में बात करते हैं। वहीं अगर आप इसके इंटीरियर की बात करते हैं रिवर्स में या कहें पीछे, तो आपको कुछ इस तरीके का जो है पूरा डोर का ट्रिम मिल जाता है। यहाँ आपको विंडो से रोल डाउन के लिए आपको बटन मिल जाता है, यहाँ एक स्पीकर का सेटअप, और यहाँ आपको एक जो है बॉटल होल्डर मिल जाता है। अब इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया हुआ है और कम्फर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल का है इस गाड़ी का। और कैबिन लाइट मैंने ऑन कर दी है, डोर बंद कर लेते हैं एक बार, डोर थर्ड भी आप सुन सकते हैं, तो काफ़ी सही डोर थर्ड भी मिल जाता है। पीछे के एसी वेंट्स जो हैं वर्क कर रहे हैं। अब कुछ इस तरीके का आपको जो है पीछे स्पेस मिल जाता है। अब होंडाई ने एक स्मार्ट जो है मूव किया हुआ है, जो ये सीट है अंदर से दबा दी गई है और जो है ये अंदर से कर्व हो गया, तो इसके अंदर जो स्पेस है ना काफ़ी गजब का हो जाता है इसकी वजह से। और एसी वेंट्स दिए हुए हैं, इसी के नीचे आपको एक 12 वाट का सॉकेट दिया हुआ है इधर, और एसी वेंट्स काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में और पावरफुल भी हैं, पीछे कूल डाउन कर देते हैं आराम से। और अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है। आजकल जो पैटर्न चला हुआ है कनेक्टेड जो आपको डिस्प्ले मिलनी चाहिए कनेक्टेड वाली, ये ट्रेंड आजकल चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है पहले से ही। और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है हुक के साथ। अब ये हुक इसी साइड है, इस साइड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है कोट वगैरह अगर हम टांगते हैं तो एक राइट साइड ही टांगते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ आपको जो है सीट बेल्ट के लिए आपको जो है हुक मिल जाता है, और पीछे जो हेडरेस्ट आपको दिए हुए हैं दोनों ही एडजस्टेबल हैं। आगे के साइड जो है जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं होते, फिक्स्ड आपको जो है मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट 60-40 का फंक्शन नहीं है, और पीछे पार्शल ट्रे मिल जाती है जो कि इंटीरियर के कलर से मैच करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक डाल दिया है फिर कोई और ऐसा कलर, बाकी मैच के साथ ही आपको डाला हुआ है। अब चलते हैं बूट में क्या कुछ स्पेस है उसके बारे में बात करते हैं। अब एक बार हेडरूम आप देख लो, कुछ इस तरीके का हेडरूम मिल जाता है, काफ़ी सही हेडरूम इसके अंदर मिल जाता है आपको। बूट स्पेस दिखाता हूँ एक बार, स्पेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप जो है बूट को अनलॉक कर सकते हैं कुछ इस तरीके, और ये अनलॉक भी हो जाएगा। अब पीछे आपको एक कैमरा भी मिल जाता है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। अब यहाँ से जो एक मैग्नेटिक बटन दिया हुआ है इससे आप जो है इसका बूट जो है ओपन कर सकते हैं। अब बूट स्पेस इसके अंदर जो मिल जाता है 260 लीटर्स के आसपास का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। अब इसके अंदर जो नीचे स्पेस है एक स्पेयर व्हील का मिल जाता है। स्पेयर व्हील का अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये स्टील रिम मिल जाता है, ये 14 इंचेस का है, और जो नॉर्मल इसके अंदर व्हील दिया हुआ है एलॉय व्हील ये आपको जो मिलता है, अगर मैं आपको बताऊं इसकी प्रोफाइल, अब
15 इंचेस का जो है आपको ये सेटअप मिल जाता है। अब मेन एक्साइटमेंट देखो, कुछ इस तरीके का एक कापा इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ पावर फिगर्स मिल जाते हैं। अब इंजन डिस्प्लेसमेंट जो इसके अंदर मिलता है 1197 जो सीसी का इसके अंदर इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात करते हैं तो 4 सिलेंडर इंजन आपको जो ये ऑफर किया गया है। पावर की बात करते हैं तो 81.80 BHP ये आपको निकाल के देगा। वहीं अगर आप टॉर्क की बात करते हैं लगभग 113.8 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देगा। जो करंट वेरिएंट अगर आप देख रहे हैं, ये वाला जो वेरिएंट है ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक भी आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं लगभग 37.0 लीटर के आसपास का आपको जो इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। बॉडी टाइप आपको पता ही है, हैचबैक है। तो जी ये कुछ था रिव्यू, डायमेंशन, स्पेस, फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब पांचवी चीज़ रह रही है, वो है इसका ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके चेक करना। और उसमें मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी आप जो है देख सकते हैं, उसमें मैं कुछ इसी तरीके की जो है कंटेंट डालता हूँ। बाकी थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।